हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना पानी के कैसे आप बागवानी कर सकते हैं फल के या पौधों सब्जियों के या फूल लगा सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले आपको एक बहुत कूलर स्टैंड टाइप बनवाना पड़ेगा, और फिर जो है ये देखिए, इसमें जो है ये पानी डाला हुआ है, तो पानी इंडिकेट भी करता है कि ये पानी कितना है, और इसका आप यहाँ से पानी डाल सकते हैं बाल्टी के थ्रू या कोई भी आप चीज़ के द्वारा, पाइप के द्वारा पानी डाल सकते हैं। इसके ऊपर जो है ये देखिए, ये है कोकोनट को जो है पीस कर बुरादा कहते हैं वो है, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मिट्टी होती है, यानी कि वो क्या कहते हैं, ईट का बुरादा थोड़ा सा मिक्स कर दिया जाता है। थोड़ा एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल रहा नाम, क्या नाम था भाई साहब वो बताना, क्या चीज़ है ये, इसका नहीं पता क्या नाम है, जो उसका बता दो। लेट्रूस है, लेट्रूस, लेट LETUC, वो होता क्या है वैसे, ये पत्ता ही होता है जैसे सलाद, पत्ता नहीं होता भाई साहब, ये मिट्टी की बात है ना, ये नारियल का बुरादा। और कितना परसेंट है ये तो नहीं पता है। अच्छा जी, नहीं मतलब कितने ग्राम में कितना डाला हुआ। तो ये है, इसमें कोई मिट्टी नहीं है, बुरादा है, और उसमें थोड़ा बहुत ईट मॉस है वो डाला हुआ है। और इसमें जो है ये देखिए, बिना किसी दिक्कत के जो है, आप कह सकते हैं कि बिना किसी हेडक के आप बागवानी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऑर्गेनिक खेती होती है, जैसे आप ऑर्गेनिक सब्जियाँ सलाद वगैरह उगा सकते हैं, जैसे ये पालक है, यानी कि कह सकते हैं कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो डिफरेंट प्रकार की ये चीज़ें इन्होंने लगा रखी हैं, जैसे ये धनिया हो गया, और एक प्रकार की पालक किस्म है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि आप एक बार इसको बना दीजिए, ख़ास तौर पर ये आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, इसके ऊपर जो है छेद होता है, छेद से जो है जड़ें नीचे पानी में जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये नीचे हम दिखा नहीं पाएंगे, भारी सा ये, पर हमारी पुरानी सोइल लेस वीडियो है, सोइल लेस गार्डनिंग से नाम से है, उसमें हमने दिखाया हुआ है कि इसके नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे इनकी जड़ें नीचे जाती हैं, पानी में टच करती हैं, पानी में डिप होती हैं, और आपको पानी यहाँ से भरना होता है बार बार, यानी कि आप महीने में एक बार भर दें या दो हफ्ते में एक बार भर दें, ये इंडिकेट करता है जैसे ये पानी फुल है इसमें। तो खर्चे की बात करें तो ये सिर्फ एक स्टैंड है, स्टैंड का खर्चा आएगा, अगर स्टैंड की कीमत लगाए तो ये 700 से लेकर 1000 का आएगा। आपको बस जुगाड़ चाहिए, ये दो चीज़ें आपको चाहिए, अगर ये मिल जाए आपको तो आप आसानी से छत पर रख सकते हैं। तो इसमें तो खाली ये पानी है, पानी और ये डालने के लिए देखिए, यहाँ से ये जगह चाहिए, और एक ये हमें लगाना होता है, जैसे कि आपकी बैटरी वाली होती है, इंडिकेट करता है कि पानी ख़त्म होगा तो ये ऊपर उठता जाएगा। तो ये है, आप चाहो तो इसके बिना भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यह पानी है कि नहीं। और सबसे जो मेन पार्ट जो है, जो आपको आसानी से नहीं मिलेगा, वो है ये, इसमें जो है छोटे छोटे छेद होते हैं बड़े से, और छेद से क्या होता है कि ऐसे कप टाइप छेद बने होते हैं, जिससे जड़ें जो है पानी में डिप होती हैं, और इसमें 0% मिट्टी होती है, सारा जो है कोकोनट का बुरादा होता है, जैसे आपका नारियल होता है, नारियल को कह सकते हैं उसका ग्रीस कर दिया जाता है, यानी कि उसको क्रश कर दिया जाता है, और उसमें थोड़ा बहुत एक पार्ट्स हो रहा है जो कि आप कह सकते हैं खाद टाइप है। तो बिना मिट्टी के ये आपके छतों पर लग सकता है, और आप ऐसे बहुत सारे, मतलब कम से कम 15-20 लगा सकते हैं, कम से कम 4-5 लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्टैंड है, आप चाहो तो नीचे भी डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। तो हमारी एडवाइस है कि आप डबल करेंगे तो एक ही स्टैंड में आप डबल गार्डनिंग कर पाएंगे। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि आपको जो सलाद मिलेगा, सब्जी मिलेगी, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा। और दूसरा कंसेप्ट जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मिट्टी वाला है, इसमें मिट्टी डली हुई है, इसमें जो है ये आपको एक लकड़ी वाला स्टैंड जो है कारपेंटर बना देगा। इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि एक डंडा लगा रखा है, डंडे में बाल्टी लगा रखी है, बाल्टी को भी यहाँ से देखेंगे आप छेद कर दिया, छेद से यहाँ पर आपने एक नल टाइप है, यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ से पानी आगे जाएगा, और फिर जो है इसको पाइप से जोड़ दिया।
तो जैसे आप खेती बाड़ी में होता है कि, और इसमें जो है छोटा छेद जरूर होगा जिससे पानी जो है बूंद बूंद करके इसमें जाएगा। तो इस प्रकार आप पेन लेस जो है गार्डनिंग घर में भी कर सकते हैं, खेत में भी कर सकते हैं। तो फ़ायदा बहुत है कि ऑर्गेनिक जो गार्डनिंग है आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी खुद की सलाद हो, सब्जी हो, तो आपको जो है न्यूट्रिशन भी खुद मिलेगा और बिना किसी यूरिया या पेस्टिसाइड के आपको सब्जियां या सलाद मिल जाएंगे। आप चाहो तो फूल भी लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार की है, ऊपर वाले तो सोयल लेस है, नीचे वाला मिट्टी वाला। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।